आज के इस वीडियो में हम लेट के यूजेस सीखेंगे। देखिए, लेट का हमें एक मीनिंग तो पता है कि ये इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी काम की अगर आपको परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, उसके लिए हम लेट यूज़ करते हैं। लेकिन लेट को अगर आप फ्रेजल वर्ब में ले जाएं, तो फिर लेट के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर हम लेट को फ्रेजल वर्ब में लेकर जाएं, तो लेट इन, लेट ऑन, लेट ऑफ, लेट आउट, लेट डाउन, ये हमारे फ्रेजल वर्ब हैं और फिर इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे, इनके प्रैक्टिस करेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है लेट इन। लेट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर आने देना, ठीक है। लेट समवन कम इन, अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। किसी भी शख्स या चीज़ को अंदर आने देना। फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन द विंडो टू लेट इन द एयर, उसने खिड़की खोली कि हवा अंदर आ सके। शी ओपन द विंडो, उसने खिड़की खोली टू लेट इन द एयर, कि हवा अंदर आ सके। एक एग्जाम्पल देखें, डोंट लेट हर इन द रूम, इस लड़की को अंदर कमरे में मत आने दो। डोंट लेट हर इन द रूम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सी हर हेयर, क्योंकि मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहती। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सी हर हेयर, तो लैटिन मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को अंदर आने देना। नेक्स्ट है लेट ऑन। लेट ऑन, लेट ऑन मीन्स किसी भी चीज़ की वजाहत करना, वाजे करना, मेक क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डोंट वॉन्ट टू लेट ऑन हाउ रिच यू आर, तुम ये वाजे नहीं करना चाहते ना कि तुम इतने अमीर कैसे हो, यानी तुम बताना नहीं चाहते कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से है, कैसे तुम इतने अमीर हो। यू डोंट वॉन्ट टू लेट ऑन, तुम ये बताना नहीं चाहते, हाउ रिच यू आर, कि तुम इतने अमीर कैसे हो। एक और देखें, डोंट लेट ऑन अबाउट दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बारे में किसी को मत बताना, किसी को वाजे मत करना, किसी को मत दिखाना, किसी को मत बताना। डोंट लेट ऑन अबाउट दिस मीटिंग, तो लेट ऑन मीन्स क्लियर करना, वाजे करना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है लेट ऑफ। लेट ऑफ, लेट ऑफ मीन्स किसी को मुआफ़ कर देना और सज़ा नहीं देना, ठीक है, मुआफ़ कर देना, पनिशमेंट नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉस लेट मी ऑफ फॉर ब्रेकिंग द ऑफिस विंडो, द बॉस लेट मी ऑफ, मेरे बॉस ने मुझे माफ़ कर दिया फॉर ब्रेकिंग द ऑफिस विंडो, ऑफिस की खिड़की तोड़ने की वजह से, यानी मैंने ऑफिस की खिड़की तोड़ी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सज़ा नहीं दी बल्कि मुझे माफ़ कर दिया। द बॉस लेट मी ऑफ फॉर ब्रेकिंग द विंडो, लेट मी ऑफ, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, लेट ऑन, लेट ऑफ, लेट इन, आप इनके दरमियान में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। द बॉस लेट मी ऑफ भी हो सकता है, द बॉस लेट ऑफ मी, दोनों हो सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, आई लेट हिम ऑफ फॉर चीटिंग ऑन मी, मैंने उसे माफ़ कर दिया, किस लिए माफ़ कर दिया, उसने जो मुझे चीट किया था ना, मैंने उस पर उसे सज़ा नहीं दी बल्कि उसे माफ़ कर दिया। आई लेट हिम ऑफ फॉर चीटिंग ऑन मी, मुझे चीट करने की जो उसने हरकत की है ना, मैंने उसके लिए उसे माफ़ कर दिया, उसे कोई पनिश नहीं की। तो लेट ऑफ मीन्स पनिश ना करना, माफ़ कर देना। नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स फेल टू सपोर्ट, आप किसी को मायूस कर दें, आप उसको सपोर्ट ना करें, आपको, आप किसी बंदे को डिसअपॉइंट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम, यार मुझे इस वक्त मायूस मत करना। डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम, मुझे इस वक्त मायूस मत करना। एक और सेंटेंस देखें, आई प्रोमिस्ड हिम, मैंने उससे वादा किया, आई वुड मीट हिम देयर, मैं उससे वहाँ मिलूँगा, एंड आई विल नॉट लेट हिम डाउन, और मैं उसे मायूस नहीं करूँगा। आई विल नॉट लेट हिम डाउन, मैं उसे मायूस नहीं करूँगा, ठीक है। तो लेट डाउन मीन्स मायूस करना। लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है लेट आउट। लेट आउट, लेट आउट मीन्स टू रिलीज़, रिहाई करना, किसी को एक जगह से निकाल देना, आप रिलीज़ कर दो किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट्स वर लेट आउट ऑफ स्कूल अर्ली, आज स्टूडेंट्स को स्कूल से जल्दी ऑफ मिल गया, जल्दी रिहाई मिल गई, जल्दी उन्हें घर भेज दिया गया। द स्टूडेंट्स वर लेट आउट ऑफ स्कूल अर्ली। एक और एग्ज़ाम्पल देखें, इफ़ यू गो इन टू द ज़ू, अगर आप ज़ू जाओ, डोंट लेट आउट एनी ऑफ द बर्ड्स, किसी भी बर्ड को उसके पिंजरे से मत निकालना, रिलीज मत करना, रिहा मत करना। इफ़ यू गो इन टू द ज़ू, अगर आप ज़ू जाओ, डोंट लेट आउट एनी ऑफ द बर्ड्स, किसी बर्ड्स को वहाँ से मत निकालना। तो लेट आउट मीन्स टू रिलीज, लेट डाउन मीन्स टू डिसअपॉइंट, लेट ऑफ मीन्स टू फॉरगिव एंड नॉट पनिश, लेट ऑन मीन्स मेक क्लियर, एंड लेट इन मीन्स लेट समवन कम इन। तो ये 5 आपके फ्रेजल वर्ब हैं लेट से रिलेटेड, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।